हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिंग यंग माइंड्स। आज हम करेंगे क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर 3, दैट इज फाइबर टू फैब्रिक। चैप्टर शुरू करने से पहले एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनिए। तो सिल्क फैब्रिक की डिस्कवरी हुई चाइना में, और ये इतना सॉफ्ट, स्मूथ और शाइनी फैब्रिक था कि पूरे वर्ल्ड में इसकी डिमांड बढ़ गई और इसे बेचकर चाइना को मिलने लगे ढेरों पैसे। इसलिए चाइना ने हजारों सालों तक किसी को पता नहीं लगने दिया कि आखिर ये सिल्क फैब्रिक मिलता कहां से है। जो भी इसकी इंफॉर्मेशन को लीक आउट करता, चाइनीज एम्परर उसे मार देता था। अब एक्चुअली में तो कोई नहीं जानता कि सिल्क बनाने का ये फॉर्मूला, ये सीक्रेट बाहर कैसे निकला, चाइना से बाकी देशों को कैसे पता लगा, लेकिन इसके बारे में बहुत सारी स्टोरीज हैं। एक स्टोरी ये है जो कहती है कि एक बार एक जापानीज ग्रुप चाइना घूमने गया और वहां से वो सिल्क वॉर्म के एग्स चुरा के ले आया। इसके साथ वो 4 चाइनीज गर्ल्स को भी कैप्चर करके ले आया, क्योंकि सिल्क वॉर्म से सिल्क कैसे बनाया जाता है ये सिर्फ चाइनीज लोगों को ही पता था। इसी तरह से एक बार 2 मॉन्क्स चाइना घूमने गए, वो बाइजेंटाइन एम्पायर के थे, रोमन एम्पायर के, और वहां से उन्होंने सिल्क वॉर्म के अंडे चुरा लिए और उसे अपनी बेम्बू स्टिक्स में छुपाकर अपने एम्पायर में वापस ले आए। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में सिल्क का जो सीक्रेट है वो आउट हो गया। ऐसा भी कहा जाता है कि इंडिया में भी एक चाइनीज प्रिंसेस ही सिल्क को लाई थी। वो सिल्क वॉर्म के अंडे और मलबरी की सीड्स को अपने हेड ड्रेस में छुपा कर इंडिया लाई थी। तो इस तरह से ये सिल्क बनाने का सीक्रेट आउट हो गया और दुनिया भर में सबको पता चल गया कि ये सिल्क फैब्रिक आता कहाँ से है। लेकिन जब ये सच सामने आया तो बहुत ही सैड रियलिटी सामने आई, वो ये कि सिल्क फैब्रिक बनाने की प्रोसेस में सिल्क वॉर्म्स को मार दिया जाता है। जी हाँ, उन्हें जिंदा उबाल दिया जाता है। सिर्फ 1 किलो सिल्क बनाने के लिए 6,600 सिल्क वॉर्म्स को मार दिया जाता है। दिस इज रियली सैड। तो चलिए, ये तो थी हमारे सिल्क की स्टोरी कि कैसे सिल्क पहुंचा दुनिया के हर एक देश में। अब बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर और शुरू करते हैं हमारा चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे प्लांट्स, एनिमल्स और केमिकल्स से मिलने वाले फाइबर से बनता है फैब्रिक, जिससे अल्टीमेटली बनते हैं हमारे कपड़े। चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें हैं सीखने के लिए, पर उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। पूरी वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एजुकेटिंग यंग माइंड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, तो अपने चारों तरफ देखिए और सोचिए कि आपके कपड़े, आपके बैग्स, आपके कर्टन्स और आपकी बेडशीट्स, ये सब चीजें एक्चुअली बनी कैसे हैं। ये सारी चीजें बनी हैं इस फैब्रिक से। रिमेंबर, आपकी मम्मी ने कभी ना कभी कोई सूट लिया होगा, सूट का फैब्रिक लिया होगा और बाद में उसकी स्टिचिंग करके उसका सूट बनाया होगा, राइट? इसी तरह से इन फैब्रिक्स की स्टिचिंग करके ये डिफरेंट आइटम्स बनाई जाती हैं फैक्ट्रीज में, ठीक है? तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये आइटम्स हमें मिलती हैं फैब्रिक्स से। अब हम देखते हैं हमें फैब्रिक्स कहाँ से मिलते हैं। तो फैब्रिक्स हमें मिलते हैं इन यार्न्स से, इन्हें कहा जाता है यार्न्स। जब इन यार्न्स को इस तरह से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फैशन में अरेंज किया जाता है, ये बहुत दूर दूर लग रहा है पर एक्चुअली में ये बहुत नजदीक होते हैं, तो जब इस प्रोसेस को कहा जाता है वीविंग। तो जब इन यार्न्स को इस तरह से अरेंज किया जाता है उससे बनता है हमारा फैब्रिक, ठीक है? अब हम देखते हैं हमें ये यार्न्स कहां से मिलते हैं। तो यार्न्स हमें मिलते हैं फाइबर्स से, और फाइबर्स हमें मिलते हैं प्लांट्स, एनिमल्स और केमिकल्स से।
तो इन फाइबर्स को जब हम इकट्ठा करते हैं, अरेंज करते हैं और इनकी ट्विस्टिंग की जाती है, जिस प्रोसेस को कहा जाता है स्पिनिंग, तो इन फाइबर्स की स्पिनिंग से हमें मिलते हैं यार्न्स, यार्न से हमें मिलते हैं फैब्रिक, और फैब्रिक से बनती हैं ये सारी चीजें, जैसे कि हमारे कपड़े, कर्टन्स, बेडशीट्स एटसेट्रा। आई होप आप ये समझ गए होंगे। एक और बार देखते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स और केमिकल्स से हमें मिलते हैं ये फाइबर्स, फाइबर्स की स्पिनिंग की जाती है और उससे बनाए जाते हैं ये यार्न्स, इन यार्न्स की वीविंग की जाती है, ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फैशन में इन्हें अरेंज किया जाता है, इसे कहते हैं वीविंग, या फिर निटिंग जिसे हम कहते हैं बुनाई। ठीक है, यार्न्स की वीविंग और निटिंग से बनता है फैब्रिक, और इन फैब्रिक्स की स्टिचिंग से बनते हैं हमारे कपड़े या फिर और बहुत सारी आइटम्स। आई होप आप ये बात अब अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फाइबर्स के बारे में। ठीक है, हम ऑलरेडी क्लास 6 में ये पढ़ चुके हैं कि देर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल फाइबर्स वो हैं जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। प्लांट से हमें मिलते हैं कॉटन, जूट, कॉयर। कॉयर हमें कोकोनट हस्क से मिलता है। कॉटन और जूट के बारे में अच्छी तरह से हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। वैसे ही एनिमल से हमें मिलते हैं वूल और सिल्क फाइबर, और वहीं सिंथेटिक फाइबर्स वो हुए जो हमें इंडस्ट्री में केमिकल्स की मदद से सिंथेसाइज किए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है सिंथेटिक फाइबर्स, जैसे कि पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्राइलिक, रेयॉन एटसेट्रा। सो इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे एनिमल फाइबर्स के बारे में, वूल और सिल्क के बारे में, क्योंकि प्लांट फाइबर्स जैसे कि कॉटन, जूट, इसके बारे में हम क्लास 6 में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। अगर आप प्लांट फाइबर्स के बारे में रिवाइज करना चाहते हैं तो चैनल पे क्लास 6 की जो फाइबर टू फैब्रिक वीडियो है उसे जरूर देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपने दो इम्पॉर्टेंट एनिमल फाइबर से, वूल और सिल्क। सबसे पहले हम बात करेंगे वूल की। चलिए, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली में वूल इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए कि हम उसके बारे में इतना कुछ पढ़ रहे हैं, राइट? सो जो वूल फाइबर है, इट कीप्स यू वार्म। सर्दियों में जो भी आपके स्वेटर होते हैं, आपके मफलर, आपकी कैप्स, आपके ग्लव्स, आपकी शॉल, इवन आपके ब्लैंकेट्स, ये सारी चीजें वूल फाइबर से बनाई जाती हैं, और ये वूल फाइबर ही आपको सर्दियों में ठंड से बचाता है। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस तो समझ ही गए होंगे कि क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। चलिए, अब आप ये तो समझ गए कि वूल की इम्पोर्टेंस क्या है। अब हम समझते हैं कि हमें ये वूल एक्चुअली में मिलती कहाँ से है। तो हमें शीप, गोट, याक और कुछ और एनिमल्स के हेयर, या जिसे हम फ्लीज भी कहते हैं, उनसे ये वूल मिलती है। इन एनिमल्स के ऊपर एक थिक कोट ऑफ हेयर होता है और वूल हमें वहीं से मिलती है। चलिए, अब हम ये जानते हैं कि एनिमल्स के ऊपर ये थिक कोट ऑफ हेयर क्यों होता है। एक्चुअली में एनिमल्स का ये थिक कोट ऑफ हेयर उनके लिए एक ब्लैंकेट का काम करता है, उन्हें सर्दियों में ठंड से बचाने के लिए। ये एक नेचर का गिफ्ट है उनके लिए। ठीक है, इससे क्या होता है कि ये जो थिक कोट ऑफ हेयर है, इसमें जो है एयर ट्रैप हो जाती है, और एयर क्योंकि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, मतलब एयर जो है वो हीट को पास नहीं होने देती, ठीक है, लूज नहीं होने देती। तो इस ये एयर जो इनकी थिक कोट ऑफ हेयर पे ट्रैप हो जाती है, इसकी वजह से इनकी जो बॉडी हीट है, एनिमल्स की जो बॉडी हीट है वो लूज नहीं हो पाती, और इससे उन्हें सर्दियों में गर्मी रहती है, गर्मी बनी रहती है, और वो ठंड से बच पाते हैं। ठीक है, यही रीजन है कि विंटर में हम वूल से बने हुए कपड़े पहनते हैं, और वहीं समर्स में हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं। क्यों? क्योंकि वूल फाइबर्स जो हमें एनिमल से मिलता है वो एयर को ट्रैप करता है, और क्योंकि एयर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, तो एयर प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी। ठीक है, एंड वी फील वार्म, इस वजह से हमारी बॉडी से हीट जो है वो लॉस नहीं हो पाती। ठीक है, कॉटन जो है वो एक बहुत ही थिन फाइबर है जो एयर को ट्रैप नहीं कर सकता, दस इट कैन नॉट प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी। इसलिए हम समर्स में कॉटन के कपड़े पहनते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम कुछ ऐसे एनिमल्स के बारे में जानते हैं जिनसे हमें वूल मिलती है। ये कुछ एनिमल्स हैं शीप, याक, अंगोरा गोट, हिमालयन और कश्मीरी गोट, एल्पका एंड लामा। ओके, एक एक करके फिर से इनको देख लेते हैं ताकि आपको इनके नाम याद हो जाए, राइट? दिस इज शीप। सबसे ज्यादा जो मार्केट में वूल अवेलेबल होती है वो शीप वूल होती है। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कितना थिक कोट ऑफ हेयर है, इसी से मिलती है हमें वूल फाइबर। ओके, इसकी बॉडी पे देखिए। ओके, नेक्स्ट एनिमल इज याक। आगे देखते हैं अंगोरा गोट, इसके ऊपर का फाइबर भी देखिए, द थिक कोट इट हैज। नेक्स्ट इज हिमालयन और कश्मीरी गोट, फिर है एल्पाका एंड लामा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारे पास उन एनिमल्स की लिस्ट, जैसे कि शीप, शीप से मिलती है कॉमनली अवेलेबल वूल इन द मार्केट। याक जो है उससे मिलने वाली वूल को हम याक वूल कहते हैं और वो तिब्बत और लद्दाख में बहुत ही ज्यादा कॉमन है। अंगोरा गोट जो है उससे मिलने वाली वूल को कहा जाता है अंगोरा वूल, और ये हिली रीजन्स जैसे जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। वहीं कश्मीरी गोट से बहुत ही सॉफ्ट वूल मिलती है और उससे बनती है हमारी पश्मीना शॉल्स। आपने पश्मीना शॉल्स के बारे में जरूर सुना होगा, तो वो हमें मिलती है कश्मीरी गोट से। ठीक है, वैसे ही कैमल भी यूज होते हैं वूल लेने के लिए। और एल्पका और लामा जो है वो साउथ अमेरिका में मिलते हैं, ये भी कैमल का ही एक टाइप है और इनसे भी हमें वूल मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमें पता है कि जो कॉमनली अवेलेबल वूल इन द मार्केट है वो शीप वूल है, इसलिए हम शीप वूल के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं शीप फ्लीस या शीप के हेयर की। तो शीप के दो टाइप के हेयर होते हैं, एक होता है कोर्स बियर्ड हेयर, थोड़े रफ बाल होते हैं उसके, और उसके नीचे जो स्किन के सबसे क्लोज होते हैं थोड़े सॉफ्ट फाइन सॉफ्ट हेयर होते हैं। ठीक है, एंड दे आर क्लोज टू द स्किन ऑफ शीप। और जो हम वूल बनाते हैं, जो हम वूल यूज करते हैं, वो इन फाइन सॉफ्ट हेयर से बनती है। ठीक है, तो हमने बात कर ली कि शीप के दो टाइप के हेयर होते हैं, कोर्स बियर्ड हेयर और फाइन सॉफ्ट हेयर। और जो वूल बनती है वो बनती है इन फाइन हेयर से, जो उसकी स्किन के बिल्कुल पास में होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या करते हैं कि कुछ शीप की ब्रीड्स ऐसी भी हैं जिनके सिर्फ ये सॉफ्ट वाले अंडर हेयर्स होते हैं। ठीक है, वो कोर्स बियर्ड हेयर नहीं होते, तो हमें तो ये सॉफ्ट अंडर हेयर ही चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि दो ऐसी शीप की ब्रीड्स का क्रॉस कराते हैं, उनकी मेटिंग कराते हैं, ताकि उनका जो चाइल्ड हो, उनका जो ऑफस्प्रिंग हो, उसके भी सॉफ्ट अंडर हेयर ही आए। ठीक है, इस प्रोसेस को कहा जाता है सेलेक्टिव ब्रीडिंग। सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या हुआ, जिसमें हम दो पेरेंट्स को सेलेक्ट करते हैं ताकि उसके चाइल्ड के कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स आए। ठीक है, इट इज सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड एज सेलेक्टिव ब्रीडिंग। ये वैसा ही है जैसे कि अज्यूम करिए आपके मॉम और डैड दोनों ही बहुत लंबे हैं, तो देर इज हाई प्रोबेबिलिटी, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप भी लंबे ही होंगे। सिमिलरली अगर दोनों ब्रीड्स के, जैसे हमने दो शीप की ब्रीड्स ले लिए जिन दोनों ब्रीड्स के सिर्फ सॉफ्ट अंडर हेयर होते हैं, तो देर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि उनका जो बच्चा होगा, उनका जो चाइल्ड होगा, उसके भी यही हेयर होंगे, ऐसे ही सॉफ्ट हेयर होंगे। ठीक है, सो इस प्रोसेस को कहा जाता है सेलेक्टिव ब्रीडिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये जो रियरिंग और ब्रीडिंग है शीप्स की, ये इंडिया में कहाँ कहाँ की जाती है। तो ये की जाती है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के प्लेन एरियाज में। ठीक है, सो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इनके प्लेन एरियाज में भी की जाती है। ठीक है, यहाँ पर शीप की रियरिंग की जाती है। शीप जो है वो एक हर्बीवोर एनिमल है, तो वो ग्रास, कॉमन लीव्स, पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स, ड्राई फॉडर, ऐसी चीजें खाता है, यानी प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आपको जैसे कि डॉग की बहुत सारी ब्रीड्स के बारे में पता होगा, राइट? जर्मन शेफर्ड होता है, गोल्डन रिट्रीवर होता है, लैब्राडोर होता है, सबके अपने अपने कैरेक्टर्स होते हैं, अपनी अपनी लुक होती है, राइट? इसी तरह से शीप की भी अलग अलग ब्रीड्स होती हैं,
और जो अलग अलग ब्रीड्स हैं उनके अलग अलग तरह की क्वालिटी ऑफ वूल होती है और वो अलग अलग स्टेट्स में पाई जाती है। तो ये एक टेबल है जिसमें शीप्स की अलग अलग ब्रीड्स के बारे में कहा गया है और बताया गया है कि उनकी क्वालिटी ऑफ वूल कैसी होती है। ठीक है, जैसे लोही है, लोही एक ब्रीड है, ठीक है, उसकी वूल जो है वो काफी गुड क्वालिटी की होती है और राजस्थान और पंजाब में मिलती है। इसी तरह से एक नली ब्रीड है जिससे हम कारपेट वूल डिराइव करते हैं, यानी जो कारपेट्स बनाने के लिए जो वूल होती है वो इस ब्रीड से लेते हैं, ये राजस्थान हरियाणा पंजाब में मिलती है। इसी तरह से वुलन शॉल्स बनाने के लिए बखरवाल एक ब्रीड है, उसका यूज किया जाता है, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। और मारवाड़ी जो ब्रीड है जो गुजरात में मिलती है उससे कोर्स वूल मिलता है। और आपकी होजरी आइटम्स बनाने के लिए, यानी कि जैसे सॉक्स हो गई, आपकी लेगिंग्स हो गई, इसके लिए हम पटनवाड़ी ब्रीड यूज करते हैं और ये गुजरात में मिलती है। तो आपको इस टेबल में से कुछ एग्जाम्पल्स जरूर याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमने अब तक बात कर ली शीप की रेयरिंग की, सिलेक्टिव ब्रीडिंग के बारे में बात कर ली। अब हम बात करेंगे प्रोसेसिंग ऑफ वूल की, यानी कैसे ये जो शीप के हेयर हैं, उसकी फ्लीस है, इससे अल्टीमेटली हमारे स्वेटर्स बनते हैं। इस प्रोसेस को हमें समझना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बट बिफोर दैट, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, समझ में आ रही है, तो यार वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर कोई भी डाउट है जो समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपका डाउट जरूर क्लियर करूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो फर्स्ट स्टेप जो हमारे पास है प्रोसेसिंग ऑफ वूल में है, उसे हम कहते हैं शियरिंग। शियरिंग क्या है देखते हैं। सो रिमूवल ऑफ दिस फ्लीस और हेयर, इसकी रिमूवल जो है, इसको हटाना, अलोंग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन, इसे कहा जाता है शियरिंग। आप देख सकते हैं इस शीप की शियरिंग की जा रही है, ये रेजर जैसी चीजों से या और कुछ इक्विपमेंट से की जाती है। ठीक है, यूजुअली इसकी जो शियरिंग है वो समर मंथ्स में की जाती है। मैंने आपको बताया ऐसा क्यों, क्योंकि विंटर में इन्हें ये कोट चाहिए अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए। ठीक है, तो ये समर मंथ्स में की जाती है और बाय द टाइम जब तक विंटर आता है तब तक इनके ये जो बाल हैं, ये जो हेयर हैं, ये दोबारा आ जाते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये लग रहा होगा कि इस प्रोसेस में शीप को हर्ट होता है, तो ऐसा नहीं है, इट डजेंट हर्ट शीप। जस्ट एज जब आप अपना हेयर कट कराते हैं या आपके डैड शेविंग करते हैं तो उन्हें दर्द नहीं होता, उसी तरह से शीप को भी दर्द नहीं होता, क्योंकि जो उसकी अपर मोस्ट लेयर होती है वो डेड होती है, अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज डेड। ठीक है, तो दिस इज शियरिंग। शियरिंग क्या हो गया, रिमूवल ऑफ फ्लीस और हेयर ऑफ शीप अलॉन्ग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन, यू हैव टू रिमेम्बर दिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो इसके बाद आता है वो है स्काउरिंग। स्काउरिंग में हम क्या करते हैं, ये जो शियर्ड स्किन है जो हमने ये निकाल ली, उसे हम टैंक्स, वाटर टैंक्स में डालेंगे, इस तरह से आप पिक्चर में देख सकते हैं, और उसे अच्छी तरह से धोते हैं, इट्स लाइक वॉशिंग, ताकि उसके अंदर जितनी भी ग्रीस है, डस्ट है, डर्ट है, वो सारी साफ हो जाए। ठीक है, ये मैनुअली भी की जाती है पर ज्यादातर लार्ज स्केल पे मशीन्स में की जाती है। इसके बाद जो हमारी फ्लीस है वो क्लीन हो जाती है और उसके बाद हम उसे ड्राई कर लेते हैं। ओके, सो शियरिंग हो गई और उसके बाद हो गई स्काउरिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धो लिया, अब धोने के बाद क्या होगा, इसे भेजा जाएगा फैक्ट्रीज में, जहां इसकी सॉर्टिंग होगी इसके टेक्सचर, कलर्स और लेंथ के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक बास्केट है जिसमें मैंगोज भी है, बनानास भी हैं, पोटेटोज भी हैं, टोमेटोज भी हैं, सब कुछ मिक्सड अप है, तो आप क्या करेंगे, आप एक जगह उसमें से कलेक्ट कर करके मैंगोज एक जगह रख देंगे, बनानास एक जगह रख देंगे, टोमेटोज एक जगह रख देंगे, पोटेटोज एक जगह रख देंगे। ओके, ऐसा ही करेंगे ना। इसे कहा जाता है सॉर्टिंग, कि उसके कैरेक्टर के हिसाब से चीजों को अलग अलग रखना। तो जब हमने फाइबर एक्सट्रैक्ट किया, उसके हेयर्स निकाले, तो वो जो अलग अलग तरह के हेयर हैं, टेक्सचर, कलर और लेंथ के हिसाब से, उनको फैक्ट्रीज में सेपरेट कर दिया जाता है। ठीक है, इसे कहा जाता है सॉर्टिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो होता है, इट इज रिमूवल ऑफ बर। आपने अपनी सर्दियों में जो आप स्वेटर पहनते हैं उसमें इस तरह के बर्स देखे होंगे, इन्हें हिंदी में बुर कहा जाता है। तो जो हमने एनिमल के हेयर निकाले, उसका जो फ्लीस निकाला, उसमें भी इसी तरह के बर्स होते हैं। तो सॉर्टिंग करने के बाद इन बर्स को रिमूव किया जाता है, इन फ्लफी फाइबर्स को रिमूव किया जाता है, और उसके बाद फिर से उनकी वॉशिंग और ड्राइंग की जाती है। ठीक है, सो ये फोर्थ स्टेप था, रिमूवल ऑफ बर्स। इसके बाद क्या किया जाता है,
आपने देखा होगा कि जितने भी अभी हमने एनिमल्स देखे, उन सबके जो हेयर थे वो या तो व्हाइट थे या ब्राउन थे या ब्लैक कलर के थे, है ना? जबकि आपके जो स्वेटर्स हैं वो तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम सब व्हाइट स्वेटर पहनते हैं या ब्लैक ही स्वेटर पहनते हैं। तो इस प्रोसेस में जो नेक्स्ट प्रोसेस है डाइंग, इसमें क्या किया जाता है, ये जो हमने फाइबर अभी उनसे एनिमल से लिया है, उनका जो हेयर लिया है, उसकी डाइंग की जाती है, उसको डिफरेंट कलर्स दिए जाते हैं, अलग अलग कलर्स में डाई किया जाता है, ठीक है? सो ये प्रोसेस हो गई डाइंग। उसके बाद क्या किया जाता है, फाइनली जो लास्ट स्टेप है उसमें क्या किया जाता है कि इन फाइबर्स को यार्न में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं रोलिंग, ठीक है? फाइबर्स को इस तरह के यार्न्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो जो लॉन्गर फाइबर होते हैं, लॉन्गर फाइबर्स होते हैं वो स्वेटर बनाने के काम आते हैं, और जो शॉर्ट फाइबर्स होते हैं उनसे वुलन क्लोथ बनता है। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि फाइबर्स को यार्न बनाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्पिनिंग, राइट? ओके एवरीवन, तो ये थे हमारे 6 स्टेप्स। आई रियली होप आपको ये याद हो गए होंगे। चलिए एक और बार फिर से फटाफट से देख लेते हैं। पहला स्टेप क्या था, शियरिंग। दूसरा स्टेप स्काउरिंग। उसके बाद सॉर्टिंग अकॉर्डिंग टू टेक्सचर, क्वालिटी, कलर, लेंथ। उसके बाद रिमूवल ऑफ बर्स। फिर डाइंग और कलरिंग। और उसके बाद था रोलिंग, जिसमें फाइबर्स को यार्न में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये थे हमारे 6 स्टेप्स, शियरिंग, स्काउरिंग, सॉर्टिंग, रिमूवल ऑफ बर, डाइंग एंड अल्टीमेटली रोलिंग। 6 स्टेप्स, यू हैव टू रिमेम्बर दीज 6 स्टेप्स। चलिए ओके, तो अब हम बात करते हैं ऑक्यूपेशनल हैजार्ड ऑफ वुलन इंडस्ट्री की। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड क्या होता है? तो जब आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो वहां के वर्क एनवायरनमेंट की वजह से, या फिर जिस तरह का काम आप करते हैं उस वजह से, अगर आपको कोई हैजर्ड है, कोई रिस्क है, तो उन हैजर्ड्स को हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स, यानी हैजर्ड्स ड्यू टू योर ऑक्यूपेशन, आपकी ऑक्यूपेशन की वजह से जो हैजर्ड्स हैं, ठीक है? और इससे अगर आपको कोई डिजीज हो रही है तो उसे ऑक्यूपेशनल डिजीज कहते हैं, ठीक है? जैसे वुलन इंडस्ट्री में जो सॉर्टर्स होते हैं, हमने सॉर्टिंग की बात की कि सॉर्टिंग करते हैं फाइबर्स की, उनकी लेंथ, टेक्सचर, कलर, सॉरी लेंथ के हिसाब से। तो ये जो सॉर्टर्स होते हैं दे समटाइम्स गेट इन्फेक्टेड विद अ बैक्टीरियम जिसे एंथ्रेक्स बैक्टीरिया कहा जाता है, जो कि एक फैटल ब्लड डिजीज है, और इसे सॉर्टर्स डिजीज भी कहा जाता है। तो ये वुलन इंडस्ट्री में काम करने वालों का ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है, राइट? ऑल्सो जब ये सारा दिन वुलन फाइबर्स के बीच में काम करते हैं तो उन फाइबर्स की वजह से इन्हें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और अलग तरह की डिजीजेस भी हो जाती हैं, ठीक है? तो इसे कहते हैं ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स। तो हमने वूल फाइबर के बारे में सारी बातें कर ली। अब हम बात करेंगे अपने सॉफ्ट, स्मूथ एंड लस्ट्रस सिल्क फाइबर के बारे में, ओके? बट बिफोर दैट डू लाइक द वीडियो। ओके, तो हम सबको ये बात तो पता है कि सिल्क जो है वो हमें मिलता है सिल्क वॉर्म से, ठीक है? सो रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड एज सेरिकल्चर और सिल्क फार्मिंग, ठीक है? यानी कि सिल्क वॉर्म्स की रियरिंग करना, उन्हें पालना पोसना, ठीक है, ताकि हमें उससे सिल्क मिले, इसे कहा जाता है सिल्क फार्मिंग या सेरिकल्चर। जब आप कोई और फार्मिंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप टोमेटो की फार्मिंग करते हैं, तो आप टोमेटो के प्लांट्स को पालते पोसते हैं, उसे प्लांट्स देते, उसे वाटर देते हैं, फर्टिलाइजर्स देते हैं, और सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है? इसी तरह से सिल्क वॉर्म्स का भी रियरिंग करना, फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड एज सेरिकल्चर, इसको जरूर याद रखिएगा। ओके, तो चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन। सबसे ज्यादा सिल्क की प्रोडक्शन चाइना में होती है। इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री, और इंडिया में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, इन सब इलाकों में होता है सिल्क की प्रोडक्शन, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो सिल्क के बारे में हमें दो चीजें पढ़नी है। एक तो पढ़ना है रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, कि कैसे सिल्क मॉथ से ये सिल्क के कुकून्स बनते हैं, ठीक है?
मौत से कैसे कुकून्स बनते हैं, ये है रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म। और उसके बाद हमें पढ़ना है प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क के बारे में कि कैसे इन कुकून से अल्टीमेटली सिल्क फैब्रिक बनता है और सिल्क फैब्रिक से अल्टीमेटली हमारे कपड़े बनते हैं, जैसे ये एक सिल्क साड़ी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म की, कि सिल्क मॉथ से कुकून बनने तक की कहानी। ओके, ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके, अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो ये है एक सिल्क मॉथ। ठीक है, सिल्क मॉथ क्या करती है, वो एग्स देती है। ठीक है, एग्स देने के बाद क्या होता है, एग्स हैच होते हैं और उसमें से निकलते हैं लार्वा और कैटरपिलर्स। ठीक है, इन्हें कहा जाता है सिल्क वर्म्स। ये सिल्क मॉथ है और ये है सिल्क वर्म्स। अब ये जो सिल्क वर्म्स है ये 25-30 दिन तक खूब खाते पीते हैं, मलबरी की लीव्स खाते हैं और उसके बाद ये इस तरह के कवरिंग अपने अराउंड ये कवरिंग बना लेते हैं, इसको कहा जाता है कुकून। ठीक है, और उसके बाद ये उसी कुकून में रहते हैं और लगभग 2 से 3 हफ्ते बाद ये कुकून को तोड़कर, जैसे अंडे में से चिक निकलता है, वैसे ही ये इस कुकून को तोड़कर ये मौत बाहर निकल जाती है। ठीक है, सो ये पूरा साइकिल है एक मौत का। एक मौत ने अंडे दिए, अंडे से बने लार्वे या कैटरपिलर कुछ दिन तक खूब खाएंगे पिएंगे फॉर 25-30 डेज, उसके बाद वो अपने अराउंड एक कवरिंग बना लेते हैं खुद से ही। ठीक है, इस कवरिंग को कहा जाता है कुकून। और उसके 2-3 वीक्स बाद वो इसी कुकून में रहते हैं और 2-3 वीक्स बाद ये कुकून फटता है और उसमें से निकलता है ये सिल्क मॉथ। ठीक है, ये है सिल्क मॉथ का लाइफ साइकिल। ओके, तो एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट अ टाइम, एक बारी में 100 से ज्यादा अंडे देती है। ठीक है, उसके बाद उस एग्स को हम स्टोर करके रख लेते हैं और फार्मर्स को बेच देते हैं। फिर क्या होता है कि फार्मर्स जो हैं इन एग्स को सुटेबल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में रखेंगे और जब मलबरी ट्री की लीव्स आएंगी, क्योंकि ये मलबरी ट्री की लीव्स ही खाते हैं, तो उस टाइम एग्स को थोड़ी हीट दी जाती है ताकि एग्स जो हैं वो हैच हो जाएं। ठीक है, तो एग्स हैच हो जाते हैं और एग्स में से क्या निकलते हैं, सिल्क वर्म्स। फिर उसके बाद ये सिल्क वर्म्स जो हैं दे विल फीड डे एंड नाइट ऑन मलबरी लीव्स। कितने दिन के लिए, लगभग 25 से 30 दिन के लिए दे विल फीड। ठीक है, उसके बाद दे विल स्टॉप ईटिंग एंड देन दे विल स्पिन अ नेट और अ कुकून अराउंड देम। उसके बाद वो अपने अराउंड वो कुकून फॉर्म कर लेंगे टू एंटर इनटू प्यूपल स्टेज। ये जो है इसको हम कहते हैं इसकी प्यूपल स्टेज। ठीक है, जैसे ये इसकी लार्वल स्टेज है, इसमें लार्वा बनता है, तो ये जो कुकून बनाया है इसको हम कहते हैं प्यूपल स्टेज। ठीक है, ओके, तो हमने बात की कि देन दे स्पिन अ नेट और कुकून अराउंड देम टू एंटर प्यूपल स्टेज। और ये जो फाइबर उन्होंने अपने चारों तरफ बनाया, ये कुकून जो है इट इज मेड ऑफ प्रोटीन, और जब ये एयर के एक्सपोजर में आता है तो काफी हार्ड हो जाता है और सिल्क फाइबर बन जाता है। ठीक है, इसी कुकून के अंदर बनती है सिल्क मॉथ 2 से 3 हफ्ते के अंदर। ठीक है, ये था सिल्क मॉथ का लाइफ साइकिल। तो ये जो सिल्क मॉथ है ये बहुत तरह की होती है, वैरायटी की बहुत सारी वैरायटी है इनकी। ठीक है, तो जो अलग अलग वैरायटी की सिल्क मॉथ है वो अलग अलग तरह के फाइबर देती है, बनाती है अपने अराउंड। ठीक है, मतलब कुकून जो बनाती है वो अलग अलग टेक्सचर के होते हैं, कोई कोर्स कुकून बनाती है, कोई स्मूथ बनाती है, कोई शाइनी बनाती है। ठीक है, शाइनी फाइबर बनाती है, तो इससे हमें बहुत सारी अलग वैरायटी का सिल्क मिलता है। ठीक है, अलग अलग वैरायटी की मौत से अलग अलग वैरायटी का सिल्क मिलता है, जैसे मलबरी सिल्क, टसर सिल्क, मोगा सिल्क, कोसा सिल्क, एरी सिल्क। ठीक है, और सबसे कॉमन है हमारा मलबरी सिल्क। ठीक है, इनके नाम याद रख लीजिएगा। ओके, तो हमने ये तो बात कर ली कि सिल्क मौत से कुकून कैसे बनते हैं। ठीक है, कुकून तक का सफर। अब हम बात करेंगे कि इन कुकून से अल्टीमेटली हमारा सिल्क फैब्रिक कैसे बनता है। ठीक है, तो प्रोसेस क्या है देखते हैं। सबसे पहले इन कुकून्स को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, इन कुकून्स को कलेक्ट कर लिया, उसके बाद
इन कुकून्स को बॉयल किया जाता है या इनको धूप में रखा जाता है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि सिल्क बनाने की प्रोसेस में सिल्क वॉर्म को जिंदा ही उबाल दिया जाता है। यू रिमेम्बर आई टोल्ड यू कि इसी कुकून के अंदर वो सिल्क वॉर्म है जो 25-30 दिन बाद सिल्क मॉथ बनकर निकलना था, पर उससे पहले ही इन कुकून्स को एक्सट्रैक्ट करके इन्हें पानी में बॉयल कर दिया जाता है और अंदर जो है वो सिल्क वॉर्म मर जाता है। ठीक है, तो फिर फर्स्ट स्टेप हो गया कि कुकून्स को हमने कलेक्ट कर लिया। उसके बाद सेकंड स्टेप हो गया कि कुकून्स को हमने बॉयल किया पानी में। उसके बाद क्या करते हैं कि इन्हीं कुकून से हम फाइबर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये सिल्क फाइबर को एक्सट्रैक्ट करते हैं और इस प्रोसेस को कहा जाता है रीलिंग ऑफ सिल्क। ठीक है, कुकून से सिल्क फाइबर को एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेस को कहा जाता है रीलिंग ऑफ सिल्क। उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद फाइबर तो एक्सट्रैक्ट हो गया, फाइबर से यार्न बनाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं हम सब जानते हैं, उसको स्पिनिंग कहते हैं। तो उसके बाद की जाती है इस फाइबर की स्पिनिंग और इसे बनाया जाता है यार्न्स में। अब इसे मैनुअली भी किया जाता है और फैक्ट्रीज में भी किया जाता है। ठीक है, स्पिनिंग के बाद करते हैं वीविंग, यानी इन यार्न से अल्टीमेटली फैब्रिक बनाया जाता है जिस प्रोसेस को कहा जाता है वीविंग। आपको ऑलरेडी मैंने बताया था कि इन यार्न्स को ऐसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फैशन में, आप यहाँ देख सकते हैं ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फैशन में अरेंज किया जाता है, इसे कहते हैं वीविंग और इससे बनता है फैब्रिक। ठीक है, अब ये जो वीविंग है वो लूम्स पे की जाती है, इन मशीन्स को लूम्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे 5 स्टेप्स। ठीक है, जिसमें सबसे पहले कुकून्स को कलेक्ट किया गया, उसके बाद उन्हें बॉयल किया गया या सन के अंडर रखा जाता है, उसके बाद रीलिंग की जाती है। रीलिंग यानी द प्रोसेस इन विच कुकून्स थ्रेड आर टेकन आउट फ्रॉम द कुकून टू यूज एज अ सिल्क, मतलब उन कुकून से सिल्क फाइबर को एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेस को रीलिंग कहते हैं। उसके बाद स्पिनिंग की जाती है, स्पिनिंग में क्या होता है, इन सिल्क फाइबर्स को यार्न्स या थ्रेड में कन्वर्ट किया जाता है। और उसके बाद वीविंग की जाती है, यानी जो ये यार्न्स है उनको अल्टीमेटली फैब्रिक्स में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे 5 स्टेप। क्या आप जानते हैं कि एक सिंगल कुकून से जब हम सिल्क फाइबर एक्सट्रैक्ट करते हैं तो एक सिंगल कुकून से लगभग 1,000 से 3,000 फीट लंबा सिल्क फाइबर एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। यू नो, सिल्क थ्रेड 1,000 से 3,000 फीट लंबा, इजंट इट अमेजिंग। चलिए, तो हमने जो 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस के बारे में बात की वो फिर से देख लेते हैं। कुकून से फाइबर्स बनाते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रीलिंग। कुकून से फाइबर्स को, सिल्क फाइबर्स को एक्सट्रैक्ट करना, राइट, क्या कहते हैं उसे, रीलिंग। फिर फाइबर्स को यार्न में कन्वर्ट करना, उसे कहा जाता है स्पिनिंग। और यार्न्स को फैब्रिक में कन्वर्ट करना, उसे कहा जाता है वीविंग। ठीक है, रीलिंग, स्पिनिंग और वीविंग, ये तीनों आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो फिर से इस डायग्राम को देखिए और याद कर लीजिए। तो प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क में आपको याद रखना है ये 5 स्टेप। सबसे पहले क्या किया, कुकून्स आर कलेक्टेड, देन दे आर बॉइल्ड, फिर उसकी रीलिंग की जाती है, रीलिंग यानी कुकून्स में से सिल्क फाइबर को एक्सट्रैक्ट करना, फिर स्पिनिंग की जाती है, स्पिनिंग में फाइबर्स को कन्वर्ट किया जाता है यार्न्स में, और फिर वीविंग की जाती है यानी यार्न्स को कन्वर्ट किया जाएगा फैब्रिक में। अब तो आपको याद हो ही गया होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, स्टोरी ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिल्क। तो इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक बार एक चाइनीज एम्परर ने देखा कि उसके गार्डन में जो एक मलबरी ट्री लगा है उसकी सारी लीव्स डैमेज हो गई हैं। ठीक है, सारी लीव्स डैमेज हो गई हैं। तो उसने अपनी रानी से कहा कि आप प्लीज फाइंड आउट कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मलबरी के ट्री की सारी लीव्स जो है वो डैमेज हो गई हैं। तो रानी ने देखा, द एम्प्रेस सॉ कि कुछ व्हाइट कलर के वॉर्म्स हैं जो मलबरी की लीव्स को खा रहे हैं। ठीक है, उसी टाइम एक्सीडेंटली एक कुकून जो उस मलबरी ट्री पर बना हुआ था वो उसके हॉट कप ऑफ टी में गलती से गिर गया।
और हमें पता है कि जब कुकून को बॉयल किया जाता है, गर्म पानी में डाला जाता है, तो उससे फाइबर्स निकल के आ जाते हैं, राइट? सिल्क फाइबर्स निकल के आ जाते हैं। तो एक्सीडेंटली उसके चाय के कप में वो कुकून गिर गया और थ्रेड्स जो हैं वो सेपरेट होने लग गए, ठीक है? एंड दिस इज हाउ शी फाउंड आउट कि ये एक बहुत ही शाइनी, स्मूथ और लस्ट्रस फाइबर है, और इस तरह से सिल्क की डिस्कवरी हुई चाइना में। इट वॉज ऑल एक्सीडेंटली, और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के लिए चाइना ने किसी को पता नहीं लगने दिया कि एक्चुअली में ये सिल्क आ कहाँ से रहा है, ठीक है? बाद में जब ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स ने सिल्क को दूसरी कंट्रीज में इंट्रोड्यूस किया, तो वो जिस रूट से अलग अलग कंट्रीज में सिल्क को ट्रांसपोर्ट किया जाता था, उसे कहा जाता था सिल्क रूट। आज भी उसे सिल्क रूट ही कहा जाता है। ये वो रूट है चाइना से अलग अलग कंट्रीज में, ये रूट फॉलो किया जाता था सिल्क को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है? तो गाइस, इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। चैप्टर थोड़ा लंबा था, बट आई नो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, आपको अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू, कीप स्टडिंग।